हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सही टेक्निक और सही दिशा मिले एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखने का, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग करना, इसका टेक्निक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब तक कि हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्टैंडिंग लाइन, तो आप नीचे राइट साइड में अपना सब्सक्राइबर बटन जो है मेरे लिए, जो कि मेरे चैनल के लिए है, आप उसे प्रेस करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए पहले से आपको धन्यवाद और थैंक यू सो मच। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग हम जब करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट में एक ज्योमेट्रिकल शेप, जो कि हर किसी ऑब्जेक्ट में छिपा हुआ रहता है, जैसे कि हम एक बोतल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल छिपा हुआ है। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया उसके कैप के लिए अलग से और उसके बेस के लिए। अब जो लाइंस हॉरिजॉन्टल मैंने लिया है कैप का, इसमें मैं ओवल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओवल लाइन इसलिए क्योंकि उसका कैप सर्कल में है, प्रोस्पेक्टिव में होने के कारण उसका जो सर्कल है वो हमें ओवल में दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम देखें सिलेंड्रिकल शेप है ये, और इसका हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ओवल शेप में, यानी कि उसे अगर हम हाफ कर देंगे तो कर्व लाइंस आएंगे। आप अगर ये कर्व लाइंस एक ओवल बनाकर उसे बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं, तो एक परफेक्ट कर्व लाइन आपको मिलेगा, जो कि इस बोतल के ड्रॉ के लिए सुटेबल होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो और भी आपके साथ में साझा करूं, या आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर अपने चैनल में रिलीज़ करूं, तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये टेक्निक कैसा लगा। तो दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल को मैंने बोतल में कन्वर्ट किया। अगर देखा जाए तो, अगर 3D फॉर्म देखा जाए तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। इसे हम बड़े आसानी से बोतल बना सकते हैं। अब बारी है शेडिंग का। दोस्तों, आज मैं शेडिंग जो करने वाला हूँ, ये स्ट्रोक, देखिए बहुत सारे स्ट्रोक्स, अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, तो हम आज करेंगे हैचिंग और उसके साथ क्रॉस हैचिंग करेंगे। तो हैचिंग किस तरीके से किया जाता है, क्रॉस हैचिंग किस तरीके से किया जाता है, मैं सारे डिटेलिंग स्केचिंग शेड करते हुए, स्ट्रोक खींचते हुए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप ड्राइंग करने के बाद जब शेडिंग करेंगे, आपका शेडिंग बहुत ही क्लीन होना चाहिए, और ध्यान रखना है हमेशा कि आपके आसपास ज़्यादा गंदगी ना हो। सबसे पहले हम हैचिंग किस तरीके से कर रहे हैं, देखिए एक स्लाइंटिंग लाइन मैंने खींचा है और इसका गैप बड़ा अच्छे से आपको मेंटेन करना रहेगा, और उसके ऊपर हम देखिए किस तरीके से उसको डार्क में चेंज कर रहे हैं। एक ही पेंसिल है मेरे पास, ये मैं 9B यूज़ कर रहा हूँ। आप सबसे पहले कोई कम नंबर वाला पेंसिल यूज़ कीजिए, जैसे 2B हो गया, 4B हो गया, 6B हो गया। क्रॉस हैचिंग के बारे में मैं ये बता रहा हूँ किस तरीके से इसको क्रॉस करना है। बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, लाइक प्लस टाइप का नहीं करना है, हमको हल्का सा स्लाइंटली हमको उसको चेंज करना है उसकी दिशा को, और ये अपने आप एक जो इसका क्रॉस होने का जो प्रोसेस है इस तरीके से पूरा होता है, और देखने के लिए भी आपको बहुत ही प्यारा लगता है। आप इस प्रोसेस से क्रॉस हैचिंग को चाहे आप गोल गोल घुमा लीजिए, चाहे आप कर्व घुमा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, आपको हमेशा ये हैचिंग अच्छा ही लगने वाला है। ओके, तो मैं देखिए किस तरीके से मैं इस बोतल में शेड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ब्लॉक, एक एक ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर लिया। ब्लॉक में क्या करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा कहाँ पर डार्क है, मिडिल टोन है, हाईलाइट है और डार्क टोन है। तो इस तरीके से मैंने ब्लॉक तैयार कर लिया है। आप कैप में देखिए, अब मैं फर्स्ट टोन दे दिया हूँ। फर्स्ट टोन के साथ साथ मैंने बीच में देखिए हाईलाइट को छोड़ा है। हाईलाइट को इसलिए छोड़ा क्योंकि इरेजर से बाद में मिटाना पड़ेगा, इसलिए हमको पहले से ही वाइट छोड़ना है हाईलाइट के जगह पर।
अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे डार्क हो रहा है अगर स्पेस बहुत कम है तो वहाँ पे पेंसिल को सीधा हमको पेंसिल से सीधा स्ट्रोक यूज़ करना है, क्रॉस हैचिंग की ज़रूरत नहीं है अगर ज़्यादा छोटा जगह है। अगर हम थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा बड़ा लेते हैं या स्पेस बड़ा है तो वहाँ पे हमको क्रॉस हैचिंग करना है। बहुत बारीक जगह पे हमको क्रॉस हैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेंसिल से हल्का सा मर्ज टाइप करके आप उसे डार्क में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे जिस तरीके से ये एक बड़ा स्पेस है, अब बड़े स्पेस पे मैंने क्या किया है कि क्रॉस हैचिंग यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से पूरे बोतल में मैं अभी शेडिंग करके बताऊंगा आप सभी को। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ और लास्ट में आपसे बात करता हूँ। पूरा वीडियो का आनंद लीजिए और सीखिए बहुत अच्छे से स्ट्रोक कैसे किया जाता है। इस स्ट्रोक का नाम है हैचिंग और साथ में क्रॉस हैचिंग। दोस्तों अभी मैं एक हाइलाइटर के लिए मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लाइट की ज़रूरत है मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक इरेजर को यूज़ करके हाईलाइट को निकालूँगा। जैसे कि ये जो पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये पार्ट नॉर्मल इरेजर से मिटाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक इरेजर क्या होता है, वो राउंडिंग घूमते रहता है बहुत स्पीड से, टच करने के बाद वहाँ से पेंसिल निकल जाता है पेंसिल कलर। तो बहुत ही इजीली आप वहाँ पे हाईलाइट दे सकते हैं इलेक्ट्रिक इरेजर से। और भी पेंसिल्स आते हैं इरेजर पेंसिल, उसमें सॉफ्ट रहेगा, हार्ड रहेगा, मीडियम भी रहता है। आप चाहे तो पेंसिल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक इरेजर से सबसे अच्छा शार्प आप वहाँ पे हाईलाइट निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देखिए किस तरीके से मैं एक डार्क लाइन, मैंने पहले डार्क जो कैप है कैप के नीचे मैंने डार्क लाइन लिया है पेंसिल से, उसे बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया क्योंकि वहाँ पे एक डेप्थ है। अब मैं सारे ब्लॉक्स यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, जहाँ पे मुझे हाईलाइट रखनी है, कहाँ पे मुझे मीडियम या और कहाँ पे डार्क रखनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक ब्लॉक तैयार कर रहा हूँ। आपको भी यह ब्लॉक तैयार करनी होगी क्योंकि स्ट्रोक खींचते खींचते ना आपका स्ट्रोक हो सकता है कि आप सीधा ले जा रहे हो तो इधर उधर लेफ्ट एंड राइट साइड थोड़ा सा मुड़ जाए, इसलिए ब्लॉक खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों जब भी मैं ये इरेजर वगैरह यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटर के लिए, इलेक्ट्रिक इरेजर हो गया या तो इरेजर पेंसिल हो गया, और जिस पेंसिल का यूज़ मैं कर रहा हूँ, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में एक अमेज़न का लिंक मैं निकाल के दे दूँगा, जिससे कि आपको इजीली समझ जाएंगे आपको कि प्रोडक्ट कौन सा है। चाहे आप ऑनलाइन खरीद लीजिए चाहे आप ऑफलाइन खरीद लीजिए, आपको सही प्रोडक्ट मिल सकता है इस तरीके से। तो दोस्तों अब देखिए मैं ब्लॉक जिस तरीके से ले रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि हाईलाइट जहाँ पर है, हाईलाइट के साथ थोड़ा सा उसको ऑफ भी हमको रखना होता है। तो हाईलाइट और वो जो थोड़ा सा फर्स्ट टोन वाला पार्ट है उसको आप एक साथ ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने दो लाइन के बीच में अभी फिर दो लाइन मैंने खींचा, ये हाईलाइट रहेगा और बाकी उसके बाजू में फर्स्ट टोन या डार्क टोन में देकर इसका वर्क में निकाल लूँगा। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मैं जो भी बोल रहा हूँ। स्ट्रोक्स को आप लोग ध्यान से देखिए, आपको साफ बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और हैचिंग करने का तरीका आपको हर कंडीशन में, आप जब हैचिंग कर रहे हैं, ये प्रोसेस ये है कि ये जो स्लाइंटिंग मैंने लाइन खींचा है उसका जो वेव है, उसका जो एक जितना डिग्री में वो स्लाइंटिंग लाइन खींचा रहा है, हर जगह पर आपको वो मेनटेन करना पड़ेगा। और क्रॉस हैचिंग के लिए उसको हल्का सा लाइक 30 डिग्री का आप लाइन खींच रहे हैं, पेंसिल को 30 डिग्री में पकड़कर और जो लाइन है 90 डिग्री ना करके, स्टैंडिंग ना करके स्लीपिंग 30 डिग्री कर रहे हैं, तो सोचिए कि 35 डिग्री उसका क्रॉसिंग होगा। इस तरीके से आप क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर कुछ भी मेरे इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप नहीं समझ पा रहे हो ठीक से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपका क्वेश्चन को सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं दे ही दूँगा। नेक्स्ट है कि मैं अभी वीडियो को फास्ट कर देता हूँ और वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, और साथ साथ में आप अगर चाहे तो मेरे इस वीडियो को देख कर अपना ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। ओके दोस्तों, मटेरियल आपको मिल जाएगा, लिंक
वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मटेरियल्स का लिंक, अमेजोन लिंक या जो भी लिंक मुझे जहाँ से मिलेगा ऑनलाइन, मैं सेंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो पेपर पेंसिल में जो भी यूज़ कर रहा हो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं ब्रिस्टो का पेपर यूज़ कर रहा हूँ और पेंसिल है स्टेनलर का। इरेजर, इलेक्ट्रिक इरेजर मैं कंपनी को पढ़ना पड़ेगा, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फास्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, इस तरीके से बन गया हमारा ये प्यारा सा स्टील लाइफ बोलेंगे या ऑब्जेक्ट ड्राइंग बोल सकते हैं। ये स्टील का है और इसका जो हाईलाइट है मैं इरेजर से किस तरीके से दे रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। तो बन गया हमारा ये ड्राइंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।